मुझे मुबारक ना दे तो बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आपकी मुबारक। पता भी है ना, मुझे पता है सब, मैं क्या आपके लिए मर गई थी? मुझे नहीं, ऐसे बात सलामक विवास, क्या हाल है? सब ठीक ठाक ही है ना? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवास, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। जो बाहर है उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विवाद माशाल्लाह से ना मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक एक टुकड़ा ना हमने जमा करके रखा है। मियां साहब ने इनकी चुनाई की, फिर इकट्ठे करके रखे, आज इनको बना रहे हैं। ये लैटरिनों में नीचे और फर्शों में ये काम आएगी। बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा। मियां साहब ने कहा चलो ये अंदर का काम है कर ले, वो वाली रोड़ी ना लैटरिनों में डालेंगे, ये वाली ना फर्शों में डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतने दिनों बाद हमारी याद आई तो सही। कैसे हो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी? बस आप ना बोले मुझे बहन। आया तो मैं ठीक हो? आज शबाना बाजी तो नाराज रहा। अमना बेटा तू कैसा है? ना सिरा ले आओ अंदर से। नहीं नहीं, तकिए की कोई जरूरत नहीं, मैं इधर बैठो। ये शापर भी ले जाओ अमना। अच्छा सिस्टर, आप हाल दे, बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, घर वाले? मेरी तरफ से आपको नए घर की बहुत बहुत मुबारक। और आप, मैं तो शबाना सिस्टर का घर देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा घर जो है शबाना सिस्टर का बना हुआ है। तो मेरी तरफ से भी शबाना सिस्टर आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो घर की। और मैंने आपका घर जब भी देखा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक जो है हर किसी को जो है अपने घर बनाने की तौफीक दे, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके। आमीन। पहले भाई तो मुझे, पहले तो भाई इस घर की मुझे मुबारक ना दे तो बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए आपकी मुबारक। पता भी है ना, मुझे पता है सब। पहले जब मैं पुराने घर में थी तो मेरे साथ क्या गुजरा, क्या हाल गुजरा, मैं रोती रही। बस छोटे भाई आए और अम्मी आई पूछने, आप वहाँ तक भी नहीं पूछने आए। मैं क्या आपके लिए मर गई थी? नहीं, ऐसे बातें ना करें बहन भाई, भला मर सकते हैं किसी के लिए? ऐसे बातें ना करें, ठीक है ना? मैं बताएं मुझे, मैं आपके लिए क्या मर गई थी? मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैं रोती रही और मेरे मियाँ साहब अकेले भागते रहे, जो उनसे हुआ वो करते रहे। बस छोटे भाई आए हमसे पूछ गए और अब वो आते रहे पूछते। अब वहाँ दो माँ, पांच माँ मैं रही, वहाँ भी नहीं है। तो माँ जो है मुझे हो गए हैं आपके गांव में, तो मैं आके नए घर में रह रही हूँ। आप फिर वीडियो देखते रहे, आज तक आपने आके पूछा है कि आपके साथ क्या गुजर रहा है, क्या कर रहे हो, घर कैसे बना रहे हो, कैसे हो रहा है मियाँ साहब से। और मुझे वो मुझे रोज कहता है कि आपकी फैमिली नहीं आती, आपको पूछने तक भी क्या करते हैं, वो आपके भाई नहीं है क्या, आपकी माँ नहीं है, सब भाभियाँ आपकी नहीं है, वो मुझसे रोज कहते हैं। मैं रो कर चुप कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस हमारा भी अल्लाह वारिस है, और देने वाली भी रब की जात है, लेने वाली अल्लाह तो है ना सभी का, बस अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ दिया। मैंने बस कुछ भी उनको आगे जवाब ना, सिस्टर की सब बातें सब हम सुन, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरी बात सुने बहन भाइयों में आपस में चढ़ाव उतराव होता रहता है,
मेरी सिस्टर की सब बातें बजा हैं, मैं आपकी बातें तस्लीम करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप मेरी भी तो मजबूरी समझे ना मेरी बहन, मैं मुझे बहुत दुख हुआ है, आपको तो पता है कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ, पूरे 5 मंथ हो गए, लेकिन मैंने आपको कभी कोई गिला शिकवा नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था छोटा भाई हमेशा आपके पास आज आता ऐसे रहता ऐसे बस कहें कि आज हमें अपने घर से तो एक चक्कर लगा सकते थे ना। आज आपने एक बात तो जरूर बता दी, भाई हो कोई भी हो कोई किसी का भी नहीं है, सिर्फ रब के साथ के अलावा, रब की जात का साथ नहीं दी पाई है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कर दिया है, वाह अब बहुत कुछ है, मेरी बहन मेरी बन जाएगा ऐसा ऐसा, कभी ना कभी तो बन जाएगा, बन रहा है बना ले, नहीं हमें तो ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है, ये आप बात है असल में विवाद तो हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, आपको पता नहीं है कि हमारे खुद के घर में जितनी मसरूफियात, ये आज हमने टाइम निकाला है पता नहीं कैसे घर से निकाला है, एक ऊपर से तो एक सर्दियां आ गई हैं, इतनी सर्दियां हैं, फिर दिन जो है बिल्कुल छोटे होते हैं, घर के काम काज करते हुए खत्म हो जाते हैं, तो 2 माह से सिस्टर कह रही है कि हम आप हमारे गांव में आए हुए हैं। एक मिनट बेगम, एक मिनट, मैं मेरी बहन है ना, मुझे पता है ये कैसे मानेगी और कैसे समझेगी, तो मेरी बहन मेरे विवश मेरी बहन की जो दुख है जो परेशानी है और मुझ पे जो गिला शिकवा कर रही है इनका बजा है, आप भी मेरी वीडियो देखते होंगे, 3 मंथ पहले मेरी अम्मी काफी शदीद बीमार हो गई थी, बल्कि शबाना बाजी के घर भी गई थी 5-10 दिन उधर भी लगा के, क्योंकि शबाना बाजी ने खुद कहा था कि अम्मी को आप इधर भेजे मैं खुद इलाज करवाती, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रह गया, उसके बाद यकीन माने मैं खुद अपना व्लॉग भी चैनल करने बना, और उसके बाद आयत के साथ ये मसला हो गया। ये देखिए सारा, हाँ ये सारा आयत का पेड़ जल गया था, एक इसको 2 माह होने वाले हैं, ये इसका सारा अभी आपको तो मैंने बताया ही नहीं है, मैं आज बता रहा हूँ सिस्टर, आपको पता है शबाना पाजी, आपको पता है मुझे डॉक्टर ने हर्निया बताई है, पता है आपको, नहीं पता होगा मेरे बहन भाई को, मेरे चैनल पे अभी वीडियो है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी, आप मेरी बड़ी बहन है तो मेरी अम्मी की जगह, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरी बहन मुझसे पहले बड़ी है ना, इन्होंने मेरी परवरिश की है ऐसे समझ लें, अम्मी तो अपने कामों में लग जाती थी, यही खाना दूध वगैरह यही मुझे देती थी, तो आज यकीन माने मुझे भी दुख है, ये नहीं है कि दुख नहीं है, मेरा तो दिल ऐसे फट गया था, यकीन करे दिल बहुत करने को चाहता था, लेकिन क्या है कि बस ऐसा समझ लें कुछ तकलीफें मुझे आई हैं, आप अपनी जो है ना गिला शिकवा दूर करें, मैं माजरा करता हूँ, मैं आपका छोटा भाई है, आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है ना, आपने मुझे माफ करना, जो हो गया वो सो हो गया, ठीक है ना, तो अभी आप ऐसे बिठाएंगे कुछ चाय वगैरह भी पिलाएंगे, अच्छा मैं आपके लिए ना ताजा गुड़ लेके आया था, वो बच्चे शापर खा के चले गए अंदर, क्योंकि हमारे गांव की सौगात है, ठीक है ना, अभी आ गए हैं तो जी बिस्मिल्लाह, भाई तो हमेशा बहनों के लिए परछावा होते हैं, तो जो दिल में है दिल में ही रहेंगे, अब आ गए हैं तो अब रात ना जाए, मैं चाय बनाती हूँ आपकी खिदमत करती हूँ, मियाँ साहब को भेजती हूँ आपके लिए सामान भी ले आए, और चाय भी मैंने बना, भाई को क्या हुआ है, भाई ने ऐसे क्यों, ठंड लगी है, ठंड वाकई बहुत है, चले आया तो था मैं सिस्टर, मैंने कहा कि आज शबाना बाजी के साथ वीडियो भी बनाऊंगा, चले कोई बात नहीं है, जब आप राजी होंगी ना तब मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ, बहनों के लिए जो है अभी चाय बना रहे हैं, आज ना मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, मेरे आप सब जो पूछते थे ना आपकी फैमिली नहीं आती, आज सारे का सारा गुस्सा मैंने छोटे भाई पर निकाल दिया, आप सब ने बताना जरूर है कि मैंने सही किया या गलत, करना नहीं चाहिए था क्योंकि वो हमारे दर पर आए ना, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी मियाँ साहब की बातों पे, मियाँ साहब ना मुझे बार बार ताने जो देते थे, आपकी फैमिली नहीं आती, ये नहीं करते, आपको पूछते तक भी नहीं, देने वाली भी रब की जात है, अल्लाह मियाँ तो साथ दे रहा है, आप सब बहन भाइयों की तो हमारे साथ सपोर्ट है ना, आप सब ने साथ दिया है, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप तो सब साथ देते हो ना, बाकी जो है मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए, आज मुझसे गलती हो गई, अभी पछता रही हूँ सारा का सारा गुस्सा उतार कर, बिस्मिल्लाह।
चलो फिर भी छोटे भाई हैं, सुनते रहे, आगे से बोला तक नहीं, और भाभी भी नहीं बोली।